दोस्तों कभी कभी ट्रेडिंग में ऐसा दिन आता है ना, जिसी दिन ट्रेडिंग करते करते आपका सर आपके लैपटॉप में धड़म करके गिर जाए, खुद लैपटॉप आके आपके सपने में बोले कि भाई रुक जा भाई क्या कर रहा है, कम से कम मुझे तो छोड़ दे, बट आपका दिल बोले नहीं यार आज सोने के लिए मन कर रहा है क्योंकि मार्केट ही ऐसा है तो करूं क्या मैं। बिल्कुल दोस्तों सेम टू सेम आज का डे वही था, बट दोस्तों फिर भी जो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे लेवल शेयर किया, स्टूडेंट लोग बहुत अच्छा खासा आज के दिन प्रॉफिट करके रखे हैं। 11,000 प्रॉफिट, 11,000 प्रॉफिट, 10,000 प्रॉफिट, 7,000 प्रॉफिट, बहुत अच्छा खासा आज का भी दिन किया दोस्तों जो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे लेवल दिया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली निफ्टी का लेवल भी काम दिया, जैसे ही ब्रेक किया अच्छा खासा नीचे आया दोस्तों 50 से 60 पॉइंट। तो जाइए अभी कभी आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री वाले टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। मंडे के दिन निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है वो भी हम देखने वाले हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। मुझे पता है आप लोग बहुत सारे लोग कॉल पुट होल्ड करके बैठे हैं, तो मंडे के दिन मार्केट किस तरफ ओपन होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कौन जीतेगा पुट या फिर कॉल, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इसी ऑप्शन चेन को देख के। तो वीडियो को पूरा देखिए और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा लॉजिक बन रहा है मंडे के दिन मार्केट क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को मत छोड़िए एंड जाइए दोस्तों। अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप खुद ही देखिए आज के दिन मैंने बैंक निफ्टी का एक्जेक्टली लेवल अपडेट किया, निफ्टी का भी बोला एम पैटर्न बन रहा है मार्केट गिरेगा, उसके बाद जो लेवल दिया था दोस्तों उसके नीचे सस्टेन हुआ, 20-30 पॉइंट का मोमेंटम दिया और यही मोमेंटम स्टूडेंट लोगों ने कैच किया, आप लोग भी कैच कर सकते हैं। फ्री में दोस्तों मैं लेवल देता हूं एक्सपायरी पे, तो दोस्तों जो लेवल दिया था कल के दिन याद होगा आप लोगों को, 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम दिया था, वो भी फ्री में लेवल देता हूं, 1,00,000 प्रॉफिट कमा के बैठे थे। तो दोस्तों जाइए मिस मत कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं मंडे के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा दोस्तों, आपको फनी भी आएगा आज का, मजा आएगा आज का वीडियो में, सच में बता रहा हूं। बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आज के मार्केट के बारे में, ऑप्शन चेन के बारे में, वीडियो को मत छोड़िए, बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, सरप्राइज करेगा आपको, वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी से हम शुरू करते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, इसको आप अच्छे से समझिए और डेफिनेटली मंडे को उसका फायदा उठाइए। तो सिंपल सी बात है, मंडे के दिन क्या करेंगे, देखिए पहले तो हमारा व्यू बनता है दोस्तों प्राइस एक्शन, उसके बाद ऑप्शन चेन जाएंगे। अगर मंडे के दिन दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप या फिर थोड़ा गैप अप, थोड़ा फ्लैट थोड़ा गैप डाउन, जैसे भी ओपनिंग होके 33,774 ये लेवल को जैसे ही बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा आपको बाइंग करना है, टारगेट आपके सामने 34,000 आके आराम से रख लेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए 33,774 का लेवल मैंने क्यों दिया, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ना बहुत ही सिंपल है, आपको देख के ही पता लग गया दोस्तों। 33,774 का अगर आप लेवल देखेंगे ये क्या है, एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है दोस्तों, क्लियर कट एक रेजिस्टेंस है। यहां से क्या हुआ था, मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा था, फिर मार्केट ऊपर गया था, एग्जैक्टली 33,774 लेवल को यहाँ पे टच किया था, अगेन आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा फॉल आया था। तो क्लियर कट देख सकते हैं, एक बार मार्केट फॉल आया, दो बार मार्केट फॉल आया, तो दोस्तों अभी रेडी हो चुका है मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि जब तीन बार में ये निकलता है ना रेजिस्टेंस, तो सीधे आपको 300-400 पॉइंट मोमेंटम देगा ही देगा। और टारगेट दोस्तों 34,000 आप रख सकते हैं, अगर 34,000 के ऊपर निकलता है जो कि एक राउंड लेवल है, तो फिर आप खुद ही देख लीजिए आसमान तो खुला ही है और 300 पॉइंट का एक गैप डाउन बड़ा हुआ था, तो ये पूरे गैप फिल कर सकता है। तो दोस्तों मंडी के लिए पहला प्रायोरिटी रहेगा, जब भी दोस्तों ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने लग जाए हम कॉल बाय करेंगे, इसके ऊपर 300 पॉइंट मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल सा व्यू हमारा क्लियर हो गया, अब चलिए देखते हैं सेल कब करना है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर समझ लीजिए मंडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो गया 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, और 33,429 ये लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा दोस्तों आपको करना है पुट बाय, इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए 33,429 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे जब तक नहीं आता मार्केट तब तक हम पुट के साइड कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, ये आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। इसके पीछे रीजन आप समझते हैं, रीजन बहुत और सिंपल है दोस्तों। देखिए 33,429 ये क्या था, आप बोलोगे कि भाई रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली यहां से ऊपर गया और फिर ये लेवल से नीचे आ गया, तो बिल्कुल सही ये था रेजिस्टेंस 33,429। आज क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ओपनिंग हुआ, और आपको मैं कितनी बार समझा के रखा हूं दोस्तों कि जब भी इसी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग होता है, तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट के जैसा काम करता है। मार्केट ने बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग हुआ, सपोर्ट के जैसा रीड किया और मार्केट ने इसके ऊपर ही आज के पूरे दिन रहा, तो ये बन गया दोस्तों हमारे लिए मंडे के लिए सपोर्ट। अगर 33,429 के नीचे आता है तो ही भाई हम पुट बाय करेंगे, उससे पहले पुट के साइड कोई पोजीशन
पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि ऑप्शन चेन में क्या देख रहा है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे 33,655, चलिए 700 पकड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों अब आ चुके हैं हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारा आगे कॉल राइटर, ये हमारा आगे पुट राइटर, इनका काम क्या है, मार्केट को नीचे लेके जाना। इसीलिए आप देखिए ये रेड जोन में बैठे हैं। ये जो पुट राइटर है दोस्तों इनका काम है मार्केट को ऊपर लेके जाना, इसीलिए ये ग्रीन जोन पे बैठे हैं। तो सिंपल सी बात है। अब चलिए प्यारा सा ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं। 33,700 के आसपास हमारा बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे, ऊपर वाले हर एक लेवल देख लेते हैं कि भाई कॉल राइटर कौन कौन से लेवल पे बैठे हैं। देखिए दोस्तों 33,700 के लेवल पे ही दोस्तों कॉल राइटर 5,58,000, बाप रे बाप। आज के दिन दोस्तों आप देखिए ओआई चेंज है, चेंज इन ओआई, मतलब आज के दिन एड होके गए दोस्तों। तो 33,700 ही मंडी के लिए रेजिस्टेंस है क्योंकि 5,58,000 कॉल राइटर यहां पे बैठे हैं। उसके ऊपर वाले लेवल देखिए 33,800, यहां पे ओनली 3,94,000 कॉल राइटर बैठे हैं। यानी कि सिंपल सी बात हो गया, मंडी के लिए दोस्तों ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 33,700, 33,800, मार्क कर लीजिए इसको। इसके ऊपर अगर आप बोलोगे, मैं क्यों बोला कि ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, बाकी का लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉल राइटर दूर दूर तक भागे हैं। 33,900 पे लेवल पे देखिए ओनली 80,000 कुछ नहीं है। 34,000 पे एक राउंड लेवल है, फिर भी 1,77,000, इतना अच्छा खासा कॉल राइटर नहीं है। बट ये दोनों लेवल 33,800, 700 यहाँ पे दोस्तों 4-5 लाख कॉल राइटर बैठे हैं। अगर मंडे के दिन इसके ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आना चालू हो जाएगा और मार्केट जाएगा ऊपर। डाउन साइड की तरफ एक ही लेवल है जहां पे पुट राइटर बैठे हैं, जो कि सबको पता ही होगा, वो है 33,500, एक क्लियर कट राउंड लेवल दोस्तों, और यही मंडी के लिए सपोर्ट है। पुट राइटर हमेशा चाहेंगे कि भाई हमें तो 33,500 के ऊपर ही मार्केट को लेके जाएंगे, इससे पहले तो हार नहीं मानेंगे। तो 33,000 के नीचे अगर आना चालू हो गया मार्केट तो ये 10 लाख प्लस पुट राइटर फंसेंगे, मार्केट तेजी से गिरेगा। तो क्लियर हो गया दोस्तों, 33,500 के नीचे निकलता है तो पुट बाय करेंगे, 33,800 के ऊपर निकलता है तो कॉल बाय करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक करते रहिए, भूल जाते हैं ना मुझे आप लोग, और जल्दी से कमेंट कर लीजिए। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, निफ्टी भी बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। मंडे के दिन अगर फ्लैट है, फिर थोड़ा गैप ओपनिंग हो गया, 15,749 को अगर ब्रेक कर देता है दोस्तों, इसके ऊपर आपको कॉल बाय करना है। 15,749 के ऊपर अगर 15-5 मिनट सस्टेन कर लिया तो आपको कॉल बाय करना है। इसके पीछे क्या रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है, सिंपल सी बात है। अगर आप देखेंगे आज का डे का हाई क्या है, 15,749, और यहीं से ही मार्केट ओपन हुआ दोस्तों, एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनाया तो था, लेकिन यहां से ही दोस्तों सेलर लोगों ने कहीं ना कहीं सेलर लोग एक्टिवेट हो गए, और आप देखिए मार्केट यहां तक आया था लेकिन क्लोजिंग कहां पे दिया, यहां पे। इसका सीधा सा मतलब है फ्रेश सेलर दोस्तों यहां पे बैठे हैं, वो है 15,749। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए क्लियर स्पेस है। उसके बाद रेजिस्टेंस आता है 15,882 के आसपास, क्योंकि ये बहुत ही महारेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। बट दोस्तों में मोमेंटम तो 100-150 पॉइंट का तो मिल ही जाएगा आराम से। ओके क्लियर हो गया, इसके ऊपर निकलते हैं तो हम कॉल बाय करेंगे। अब सेल कब करेंगे, देखिए अगर मंडे के दिन दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग हुआ और 15,621 ये लेवल को जैसे ही ब्रेक किया, हमें इसके नीचे दोस्तों पुट को बाय करना है, बट छोटे क्वांटिटी में। मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए 15,621 ये सेम लॉजिक हमने अभी बैंक निफ्टी में यूज किया था ना, सेम टू सेम लॉजिक यहां पे भी यूज करेंगे। 15,621 क्या है, आप बोलोगे कि हाँ रेजिस्टेंस है, क्योंकि सेम लॉजिक जैसे बैंक निफ्टी में देखे थे कि मार्केट ऊपर गया, यहां से तेजी से मार्केट नीचे गिरा, तो 15,621 क्या है, एक रेजिस्टेंस है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस था। मार्केट क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस के आज ऊपर ओपनिंग हुआ। जैसे मैं अभी भी बोला था रेजिस्टेंस को जब भी मार्केट टच करने आएगा क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, और यहां से आप देखिए दोस्तों मार्केट ऊपर चला गया। तो ये पहले था हमारा रेजिस्टेंस, आज बना ये सपोर्ट। अगर मंडे के दिन 15,621 के नीचे गिरता है तो भाई मैं पुट बाय करूंगा, सिंपल सी बात है। कम क्वांटिटी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगले सपोर्ट दोस्तों 15,585 है। अगर 15,585 के नीचे निकला तो ही आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। होप सो दोस्तों आपको क्लियर हो गया। आप जल्दी से देख लेते हैं ऑप्शन चेन कि निफ्टी हमें क्या बोलता है। देखिए दोस्तों निफ्टी क्लोजिंग दे 15,698, चलिए 700 पकड़ लेते हैं 15,700। अगर आप देखेंगे दोस्तों 15,700 के आसपास हमारा निफ्टी क्लोजिंग दिया है, ये हमारा है कॉल राइटर, ये हमारा है पुट राइटर। कॉल राइटर क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस, पुट राइटर क्रिएट करते हैं सपोर्ट। 15,700 पे ही दोस्तों अच्छा खासा कॉल राइटर बैठे हैं, वो भी 15 लाख प्लस कॉल राइटर बैठे हैं दोस्तों।
चेंज इन वाई आज के दिन, पहले से तो अच्छा खासा बैठे ही थे, आज के दिन आप देखिए दोस्तों 15 लाख प्लस कॉल लेटर यहाँ पे एड होके गए। इनका सीधा सा मतलब है कि हम तो भाई गुस्से में हैं, मार्केट को हम नीचे लेके जाएंगे, जैसे करके भी मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। 15,750 पे आप देखिए दोस्तों 3 लाख प्लस फ्लोट राइटर सॉरी कॉल लेटर, 15,800 पे दोस्तों 8 लाख प्लस कॉल लेटर। तो एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 15,700, क्योंकि उसके आगे वाले लेवल पे इतना अच्छा खासा कॉल लेटर नहीं है। तो 15,700 ही मंडे के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये कॉल लेटर का बच जाएगा बैंड और अच्छा खासा मार्केट ऊपर जाएगा। पुट राइटर कहां पे बैठे हैं, एक ही लेवल है वो है 15,600, 14 लाख प्लस पुट राइटर बैठे हैं। देखिए कैसे झगड़ा चल रहा है, आप देख रहे हैं कॉल राइटर यहाँ पे आप देखिए 15 लाख प्लस बैठे हैं 15,700 के लेवल पे, ये चाहते हैं कि इसके नीचे मार्केट रहे। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों पुट राइटर 15,600 पे बैठे हैं, 14 लाख प्लस पुट राइटर, ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाए यहाँ से। तो दोस्तों अगर 15,600 के नीचे निकलता है मार्केट तो आपको अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलेगा, जो कि पहले से मैं लेवल आपको दे दिया हूं। इसके नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे और पुट बाय करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, एंड जाइए फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्यों मौका आप छोड़ रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अपने मम्मी पापा को ना बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका ख्याल कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं मंडे के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू। एंड हाँ, वीकली स्पेशल वीडियो देखना मत भूलिए, चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है दोस्तों उसको तो क्लिक करके आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।